हेलो दोस्तों, प्राइम टेक विजन के एक नए और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पैनासोनिक के एक नोज एंड ईयर ट्रिमर का। इसे मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था, तो मैं आपको इसके डब्बे को दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आप देखिए, इसे मैंने 809 रुपीज़ में परचेज़ किया था। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा। तो इसे मैं अभी इधर से कट कर लेता हूँ, चाकू से। यहाँ से मैं इसे कट करूँगा इस तरफ से। हाँ, तो कट कर दिया। से खोल के डब्बे को निकाल लेता हूँ। तो ये नीले कलर का डब्बा निकलता है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पैनासोनिक विद ड्राई नोज एंड ईयर ट्रिमर, और इसका जो मॉडल नंबर है वो ER417K है। इसकी जो ब्लेड है वो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, और इसके जो नोज है वो भी स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। और इसमें आपको डबल ए बैटरी लगती है, एक बैटरी लगाना पड़ता है आपको डबल ए टाइप की। ये चार्जेबल नहीं है, रिचार्जेबल नहीं है, आप इसे चार्ज नहीं कर सकते। और ये सामने की तरफ डब्बे, और इधर आप देख सकते हैं ये 60 डिग्री रोटेशन में इसके ब्लेड है। और इसमें आपको मिरर कैप दिया गया है, और इस तरह से आप नोज़ और ईयर के हेयर को ट्रिम कर सकते हैं। ये वाशेबल है, तो इसको हम वॉश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मोटर की तरफ वॉश नहीं करना है। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो ये मैं निकाल लिया। अब इस तरफ से मैं आपको ये दिखा देता हूँ ट्रिमर। तो ये ट्रिमर को मैं रैप से निकाल लेता हूँ। और ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, वैसे तो बिल्ट प्लास्टिक की है। यहाँ पैनासोनिक की ब्रांडिंग दी गई है सामने, और मॉडल नंबर लिखा गया है। सामने ऑन ऑफ स्विच है, और पीछे की तरफ ये कैप पे मिरर लगा हुआ है। इसे निकाल के सामने इसके नोज स्टेनलेस स्टील के हैं, बाकी पूरी बॉडी प्लास्टिक की है। और इसके डब्बे में तो और कुछ है नहीं, डब्बा पूरा खाली है। और इसमें आपको हम अब इसके लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से ट्विस्ट होके खुलेगा, तो ये खुल गया। अब इसमें एक डबल ए बैटरी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों, मैं इसमें बैटरी लगा रहा हूँ, और ये बैटरी लगाने के बाद इसे फिर उसी तरह से ट्विस्ट करके लगा देंगे। और इसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे तो DC 1.5 वोल्ट और पैनासोनिक की ब्रांडिंग दी गई है, बताई गई है। और सामने की तरफ नोज है, इसे भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। तो ये इस तरह ऑन खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोज इस तरह खुल जाते हैं, और इसका जो ये स्टेनलेस स्टील वाला ब्लेड है, इसे भी खोल के आप साफ कर सकते हैं। इधर मोटर की तरफ पानी से इसको वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि मोटर जल सकता है। बाकी नोज़ और ब्लेड को मोटर से पानी से साफ कर सकते हैं। फिर इसको मैं लगा देता हूँ, और इसके फिर कैप को भी ऊपर से ये कुछ इस तरह लगा दूंगा।
तो दोस्तों ये थी पैनासोनिक नोजन हेयर ट्रिमर की अनबॉक्सिंग। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।